आज वो चौदश है, चतुर्दशी है, और ये विदेशी महिला यहाँ आई हुई है, और ये एली नाम है इनका, और ये हमारे 20-22 साल से और विदेशियों से हमारा बहुत तो पुराना नाता है, और हमने इनको हमारी भारतीय संस्कृति के बारे में हमको इनको अवगत कराया, और ये हमारे ट्रेडिशनल साड़ी और ट्रेडिशनल सूट वेयर किया है इन्होंने, और रखड़ी चूड़ियाँ ये सब। Since how many days you are in Pushkar? 3 days. About this festival, how you know? I've gone to India, so I know about Diwali and heard from friends. Okay. Look forward to celebrating. You are married or unmarried? Unmarried. Okay. So you do wishes for your husband and family? Wishes for? For your husband and family? I wish for? Yeah. Yes. I'm very happy to be here today and wear this traditional Indian dress. So we did nice for Diwali, which is also a very beautiful festival. And yeah, we were invited here today and I'm very happy about that. What inspires you? What inspires me is all the beautiful women in India, which look so beautiful with the dresses, makeup and jewelry. This is not traditional from my country, so it's nice to get to wear all this. It's your first time in India? No, it's not. I've been many times in India. So what is your first time when you come in India? First time I came 10 years ago. उषा टंडन ब्रेन डिस्कवरी ग्लोबल स्कूल की डायरेक्टर बोल रही हूँ। आपको सबसे पहले तो मैं दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। हमारे स्कूल में दिवाली का महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया, और यहाँ सारे बच्चों को हम लोगों ने नॉन फायर वाला, नो स्मोक फायर, ऐसी दिवाली मनाई। उसमें कोई फटाके बच्चों से नहीं जलवाते। दिए भी जो हमने सजाए वो LED के थे, और वाटर दिया आजकल आते हैं वो लगवाए बच्चों से। तो बच्चों को एक गुड मैसेज जाता है कि पोल्यूशन भी नहीं हो और वो दिवाली भी सेलिब्रेट कर लें, और बड़े आराम से बड़े खुशी से बच्चों को वो। आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि आप लोग घर में भी बच्चों से उसी तरह से दिवाली मनवाएं कि बच्चों को डर भी नहीं रहता है, कोई मिसहैपनिंग भी नहीं होती है। और आप सब लोगों से, हमारे स्कूल में जो है कि हर फेस्टिवल को हम लोग बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। दिवाली सेलिब्रेट करी है, बच्चों ने उसमें एंजॉय करा, पार्टी करी उन लोगों ने, और डांस वगैरह भी करे, फटाके भी चलाए, मगर वो नॉन स्मोक वाले थे, और उनको गिफ्ट्स दी गई। उनको दिवाली के हिसाब से जो गन्स दी गई वो भी नॉन स्मोक वाली गन्स मिलती हैं आजकल, वो उनको वितरित की गई थी। बच्चे बड़े ही खुश थे कल, और पेरेंट्स, उनके अभिभावक भी बड़े ही खुश होकर यहाँ से गए। कहाँ पर है अपनी ब्रेन डिस्कवरी ग्लोबल स्कूल? हमारी यहाँ नगीना बाग में है। ये 5th क्लास तक की है, और ये दिल्ली से एफिलेटेड है। ये एक CBSE बोर्ड की स्कूल है। मेरा नाम उषा टंडन। दीपावली के अवसर पर मेरे दूध उत्पादक भाइयों और उपभोक्ता भाइयों को दीपावली की मुबारकबाद देता हूँ। उनसे अनुरोध करता हूँ कि इस मिलावट खोरों के ज़माने में आप मेहरबानी करके, कृपा करके अजमेर का सरस दूध और दूध के उत्पाद घी आदि खरीद के पूजा सामग्री के रूप में काम में लेवें, वरना तो आप जानते हैं जगह जगह रोज़ मिलावट खोर पकड़े जा रहे हैं, और वो जो है आप उस मिलावटी घी से यदि पूजा करते हो तो आपको भगवान जो है राजी नहीं होंगे आप पे। तो सरस के नाम से तो भगवान प्रसन्न होंगे। मैं डॉक्टर जी गुंडीला डोंडावटा अजमेर, सभी शहरवासियों को मैं दिवाली, छोटी दिवाली, धनतेरस, भाई दूज की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। सभी लोग इस त्यौहार को, सबसे बड़े अपने त्यौहार को खुशियों के साथ मनाएँ, पटाखे चलाएँ, मिठाई खाएँ, खुशी लें और खुशी बांटें। छोटे बच्चों को विशेष हिदायत है कि छोटे बच्चों को जब भी पटाखे चलाएं तो साथ में पेरेंट्स रहें, और छोटे बच्चे पटाखों से दूर ही रहें तो बेहतर। फुलझड़ी चलाएं, मोमबत्ती जलाएं, रंगीनियाँ बांटें और खुशियाँ बांटें।
धन्यवाद। आप सभी शहरवासियों को धनतेरस की व दीपावली के पर्व की और भैया दूज की त्यौहार की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। आप सभी के साथ मिलकर दीपावली के इस पावन पर्व को अच्छे से मनाएं, एक दूसरे को मिठाई खिलाएं और अपने बच्चों को पटाखों से दूर रखें और पटाखे चलाने के लिए मना ना करें, लेकिन अच्छे से पटाखे चलवाएँ और उसका ध्यान रखें और सभी एक दूसरे के साथ खुशी के साथ दीपावली के पर्व को मनाएँ और गरीबों की सेवा करें। जिनके घर पे मिठाइयाँ पहुँचा सके उनको मिठाइयाँ पहुँचाएँ और जिनको पटाखे दिला सके उनको पटाखे दिलाएं और सभी की सेवा के साथ इस आने वाले पावन पर्व को अच्छे से मनाएं। धन्यवाद। एक बार पुनः आप सभी को दीपावली के पावन पर्व की और भैया दूज के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएँ। जय श्री राम। प्रणाम सभी प्रभुजनों को, श्रेष्ठजनों को, वरिष्ठजनों को, स्वजनों को, सभी मित्र बंधुओं को दीपोत्सव की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ये पंच दिवसीय दीपोत्सव हम सभी के लिए शुभकारी और मंगलकारी रहे ऐसी कामना करता हूं और साथ ही मैं आप सभी से ये निवेदन करता हूं कि हम सबको इस दीपावली पर यह संकल्प लेना चाहिए कि हमारे जीवन में या हमारे मानवीय स्वभाव में जिस भी तरह के विकार हैं और जो हमारे में कमियाँ हैं उन सभी को हमको अपना स्वबोध करते हुए दूर करना चाहिए, पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए और स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए और इसके साथ ही साथ सामाजिक समरसता को अपनाते हुए हमें कुटुंब प्रबोधन करते हुए संयुक्त परिवारों में रहना चाहिए ताकि हम आगे आने वाले जीवन में हमारे संस्कार बढ़ सके। और मैं सभी से ये आह्वान करता हूँ और सभी के लिए ईश्वर से ये कामना करता हूँ कि ये आने वाला जो दीपोत्सव के बाद का वर्ष है वह हम सभी के लिए मंगलकारी रहे, वैभवशाली रहे, यश प्रदान रहे और सभी को सुख समृद्धि प्रदान करे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं ओम कश्यप, डायरेक्टर न्यू नोबल स्कूल। मैं सभी अभिभावकों और अजमेर के सभी शहरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और मैं विशेषकर अभिभावकों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो अपने अभिभावकों के साथ दीपावली मनाएं और बड़े पटाखों से बच कर रहें और जहां पर भी आप लोग पटाखे चलाते हैं दूसरों का जरूर ध्यान रखें। और स्पेशली एक चीज़ और मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि शहर में जितने भी फुटकर विक्रेता हैं कृपया करके उनसे मोल भाव ना करें, प्लस उसके अलावा जितने भी ऑनलाइन जितने भी शॉपिंग्स वगैरह करते हैं आप लोग दिवाली के समय कम से कम ऑनलाइन शॉपिंग करें ताकि आपके लोकल वेंडर्स को या लोकल विक्रेता को भी अच्छी दिवाली मनाने का मौका मिल सके और इस अवसर पर महालक्ष्मी की कृपा बनी रहे। धनतेरस और दीपावली की शुभकामनाओं के साथ मैं एक बार वापस सभी शहरवासियों को अनेक अनेक धन्यवाद। महालक्ष्मी की कृपा बनी रहे और कुबेर देवता का भंडार आप लोगों का सभी का भरा रहे, इसी आशा के साथ हैप्पी दीपावली। नमस्कार, मैं नीता चौरसिया। दीपावली पर्व की और धनतेरस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त अजमेर शहरवासियों को और वार्डवासियों को धनतेरस की, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी जी का भंडार आपके जीवन में सदा भरा रहे, आपके घर में यश वैभव समृद्धि का भंडार रहे। दीपावली का त्यौहार आप मिठाई खिलाकर बच्चों के साथ हंसी खुशी से मनाएं। एक बार फिर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली की अजमेर शहरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली का त्यौहार हमारे हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से कम 5 दिन ये त्यौहार मनाया जाता है। 3 दिन, पहले दिन धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली जो हमारा सबसे हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है। इसमें हम शहरवासियों से अपील करना चाहेंगे जब बच्चों को आप पटाखे चलाएं तो उनको छोटे बच्चों का कृपया विशेष ध्यान दें, इससे कोई जनहानि ना हो। पुनः अजमेर शहरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, जय सियाराम। आप सभी को मेरे और मेरे परिवार की ओर से दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही मैं सभी पेरेंट्स से निवेदन करता हूं कि छोटे बच्चे जब पटाखे जलाए तो आप साथ रहे ताकि कोई जनहानि ना हो। साथ ही अपना ये त्यौहार धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।
साथ ही ये हमारा बहुत बड़ा त्यौहार है, इसको आप मिलजुल कर हर्षोल्लास से एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाकर अच्छे से त्यौहार ये बनाएं। एक बार पुनः आप सभी को दीपावली पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। श्री स्टील इंडस्ट्रीज आपकी हर जरूरत का हल, ऑर्डर पर तैयार। हमारे यहाँ सभी प्रकार की अलमारियाँ, रैक्स, सेटी, कूलर एवं वार्डरोब विशेष ऑर्डर पर बनाए जाते हैं। गुणवत्ता और टिकाऊपन का वादा एक ही स्थान पर, पता श्रीनगर रोड अजमेर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9166302640। Pizza Point, Kangor. For delicious moments.